ये मेरे पास एक ये उसका लिस्ट है जिसके अंदर 7 प्रतिमाएं उस वर्धमान मंदिर के प्रांग के स्थल के पास से मिली हैं और ये म्यूजियम के अंदर गई और हम उसके ढूंढते ढूंढते वर्ष हो गए लेकिन वो मूर्तियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये निकली वर्धमान मंदिर से है, उस प्लेग्राउंड से मिली है जहां पर आज वो आप जा नहीं सकते। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें साफ लिखा हुआ है अनर्थ इन द कोर्स ऑफ क्लियरेंस फॉर मेकिंग ए प्लेग्राउंड फॉर द सिंधिया स्कूल ऑन ग्वालियर फोर्ट। ये कोई चाहे तो मेरे पास देख सकता है, ये प्रमाणिक कागज है। इसके अंदर लिखा है कि वहां पर सफाई करते समय 7 प्रतिमाएं मिली जिसको उन्होंने वो म्यूजियम में गई है, लेकिन वो म्यूजियम में कहां है वो ढूंढना पड़ेगा। जो चीज धरोहर जा थी वो उन्होंने उसको कोट किया, प्रमाणिकता से कोट किया, जिसे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अकाट्य रूप में स्वीकार करती है। तो ऐसा क्यों है कि वो मंदिर 8वीं सदी का वर्तमान मंदिर, हमारे पास उसके टोटल डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो मतलब अकाट्य है, कोई फर्क ही नहीं है। उस मंदिर पर तो आज भी डिपिक्टेड है तीर्थंकर प्रतिमा डिपिक्टेड है, वहां से मूर्तियां मिली हैं, फिर भी हम लोग वहां नहीं जा सकते। तो बड़ा खेद का विषय है, बड़ा चिंतन का विषय है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी समाज से, हमने काफी समय लिया आपका और काफी बातें रखी, और हमारे सुभाष जी हमारे जो है बड़े जुझारू हैं, और मैं इनसे करीब 13 साल 14 साल पहले जुड़ा था ग्वालियर के विषय में, तो इनकी पीड़ा को मैंने समझा और हमने जो हम कर सकते थे हमने वहां रहकर प्रयास किया। आरटीआई काफी आरटीआई है मेरे पास, मैं लाया हूँ, अगर कोई चाहे तो आरटीआई देख सकता है किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समाज को मूर्ख बनाता है, जैन समाज को मूर्ख बनाता है। मेरे पास है, इनके खिलाफ तो अब हमें ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से एक किसी साजिश किसी एजेंडे के तहत पुरातत्व विभाग हमारी जैन धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निश्चित रूप से मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, और हम ये कोई नेतागिरी या कोई ऐसे भाषण नहीं है, हमारे पास प्रमाण है, हर चीज का प्रमाण है। आप फेसबुक पर एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म हमारा पेज है, आप उस पर जाइए, पिछले 10-12 सालों के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज अपलोड की हुई है जो आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जैन धरोहर को किस प्रकार से उपेक्षित किया गया है। मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से 4th century BC की जैन केवली की प्रतिमा मिली थी, क्या आपको मालूम है? अयोध्या से 4th century BC, आज से 2400 साल पहले, और वो कहां पर है? वो दिल्ली के पावा संदेश बता रहा हूं, जाग जाओ जैनो जागो, जागो जैनो जागो।